90 के दशक में बॉबी देओल ने ऑन स्क्रीन रोमांस किया, जबरदस्त हिट फिल्में दी और इसके बाद वो बॉलीवुड से गायब हो गए। अब दूसरी पारी में विलेन का किरदार अदा करके बॉबी देओल सभी पर छा गए। बॉबी देओल का कमबैक फिल्म एनिमल के जरिए इतना जबरदस्त रहा कि सभी ये कहने लगे कि अगर कमबैक हो तो बॉबी देओल जैसा। साउथ की फिल्म कंगवा में अपने लुक के जरिए बॉबी देओल ने सभी को चौंका दिया। और इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अब बॉबी देओल सच्ची घटना पर आधारित एक थ्रिलर फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बॉबी देओल की फिल्म इंडस्ट्री में दूसरी पारी की शुरुआत जबरदस्त रही है। OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज सीरीज आश्रम भले ही उनके करियर को ट्रैक पर तो लेकर आ गई हो, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल ने तो उनके करियर में 4 चांद लगा दिए। बॉबी देओल ने फिल्म एनिमल में अपने विलेन के किरदार से ये साबित कर दिया कि उनके जैसा विलेन कोई हो ही नहीं सकता। और अब जल्द ही बॉबी देओल थ्रिलर फिल्मों के बेताज बादशाह बनने की तैयारी कर रहे हैं। खबर ये आ रही है कि बॉबी देओल ने हाल ही में गैंग्स ऑफ वासेपुर के डायरेक्टर के साथ एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड थ्रिलर फिल्म साइन की है। ऐसा पहली बार होगा जब बॉबी देओल अनुराग कश्यप के साथ फिल्म करने जा रहे हों। अब अनुराग कश्यप किस तरह का सिनेमा बनाते हैं ये तो आप जानते ही हैं, और बॉबी देओल उनकी थ्रिलर बेस्ड फिल्म के लिए एकदम फिट नजर आ रहे हैं। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कुछ महीने पहले ही अनुराग कश्यप ने इस फिल्म की कहानी को बॉबी देओल के साथ शेयर किया। बॉबी देओल को फिल्म की कहानी बेहद पसंद आई और फिर क्या था, उन्होंने अपनी हामी भर दी। फिल्म की कहानी दरअसल रेप के झूठे आरोप में फंसे एक शख्स के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म का टाइटल क्या होगा ये अभी तय नहीं किया गया है। वैसे जिस तरीके से प्लानिंग की जा रही है उससे ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि फिल्म की शूटिंग अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले महीने शुरू हो सकती है। फिल्म की स्क्रिप्ट एक ऐसी बुक पर बेस्ड है जो अभी पब्लिश नहीं हुई है। अनुराग कश्यप और 2 राइटर्स मिलकर इस किताब को फिल्म के लिए अडाप्ट कर रहे हैं। जानकारी ये भी मिली है कि फिल्म का ज़्यादातर हिस्सा मुंबई में ही शूट किया जाएगा। बॉबी देओल के अलावा इस फिल्म में और भी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट होने वाली है। फिल्म एनिमल के बाद जैसे बॉबी देओल की किस्मत ही बदल गई है, कई बड़ी फिल्में बॉबी देओल के हाथ लग गई हैं। फिल्म कंगवा में हिला देने वाला विलेन का अवतार, वहीं आलिया भट्ट और शर्वरी की स्पाई फिल्म में भी वो विलेन बनेंगे। ये YRF स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। और अब बॉबी देओल अनुराग कश्यप के साथ थ्रिलर फिल्म कर रहे हैं, यानी एक के बाद एक बॉबी देओल के हाथ में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। उम्मीद है जिस तरह से बॉबी देओल के फैंस को उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतज़ार है, उनके फैंस निराश नहीं होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, जाने से पहले मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें।